हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल आपका गार्डन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैं थोड़ा सा लेट बोल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी टाइम से नेट की प्रॉब्लम चल रही थी जिससे मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने टेरेस गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी। हालांकि मेरा जो टेरेस गार्डन है इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब है क्योंकि वहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस पौधे को देखिए जिस पर वाइट कलर का फ्लावर खिला है। स्वीट सुल्तान का फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ ये आइस प्लांट। तो हालाँकि ये मैंने अभी एक वीडियो में भी दिखाए थे, पर इस टाइम काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, इस पे कैलेंडुला के भी कुछ प्लांट है। ये देखिए, मतलब इस टाइम जो मतलब सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है वो आइस प्लांट्स पर हो रही है। हालांकि इसमें मैंने कुछ उसके मस्टर्ड यानी मस्टर्ड सीड भी डाल दिए थे। देखिए अलग से मतलब येलो कलर के फूल भी उसमें बीच बीच में खिले हैं जो बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। ये देखिए, मतलब पूरी तरह से फूल है ना इस टाइम, 90% फ्लावरिंग हो रही है इन प्लांट्स पर। और देखिए अलग अलग टाइप के शेड हैं इसमें, बहुत सारे कलर्स हैं। देखिए वाइट है, पीच कलर का भी है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक मतलब फूलों का एक कारपेट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, ये पहली बार हुआ है कि किसी भी मतलब प्लांट के जब मैंने सीड्स ग्रो किए हैं कि वो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हों। ये देखिए, इसमें कैलेंडुला भी लगा हुआ है, इधर स्वीट पी के भी कुछ प्लांट है। ये देखिए, मतलब आइस प्लांट के मुझे लगता है जितने भी मैंने सीड डाले थे 100% जर्मिनेशन इसका रेट रहा है, तभी इतने सारे फ्लावर हो गए हैं। ये देखिए, मुझे तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छे लग ही रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इनकी खूबसूरती को इन्जॉय कर रहे होंगे। देखिए मतलब बहुत सुंदर लगते हैं जब आप एक मतलब पूरी नज़र डालते हैं सारे मतलब गार्डन के ऊपर जिसमें इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। ये देखिए, हालांकि इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, दिखाई थी कि आपको मतलब फ्लावर बेड गमलों में ही लगा ले, और मैंने वैसे ही लगाए हुए हैं अलग से किसी पॉट में, मतलब यहाँ पर नहीं लगाए। हालांकि हैंगिंग बास्केट्स में भी मैंने ये कुछ लगाए हुए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट में भी आइस प्लांट है। मतलब मेरे गार्डन में इस टाइम सबसे ज़्यादा आइस प्लांट ही हैं। इधर देखिए, ये पिटूनिया के ये भी आइस प्लांट हैं। ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, वर्बेना के पर्पल कलर के प्लांट, ये भी बहुत सुंदर हैं। और ये देखिए वाइट कलर के हैं ये आइस प्लांट। और ये देखिए इधर, और ये लाइट पिंक। इसके बाद देखिए ये नेस्टेशियम के प्लांट, हालांकि ये भी काफ़ी सारे मेरे बालकनी गार्डन में लगे हुए हैं, यहाँ पर भी मैंने लगाए हुए हैं। और ये देखिए स्नैप ड्रैगन यानी डॉग फ्लावर, हालांकि इस पर अभी बड़ी बनी हुई है, इस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। अच्छा, ये मेरा पेंजी का प्लांट है, बारिश में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। और ये भी आइस प्लांट हैं, मतलब काफ़ी सारे आइस प्लांट हैं, जिधर भी देखो आपको आइस प्लांट नज़र आ रहे हैं आपको। और इसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पेंजी के प्लांट हैं, कैलेंडुला के हैं, इसमें एलन सब के भी प्लांट हैं। और ये फिर से आप देखिए आइस प्लांट, और देखिए ये फ्रेंड्स स्वीट विलियम डायंथस के प्लांट, इसमें एलिसम के भी प्लांट हैं। और ये कैलेंडुला जिसमें सीड बन गए हैं, और ये वर्बेना के प्लांट रेड कलर के, और ये एक और पेंजी के प्लांट रेड कलर के, ये फिर से आइस प्लांट है फ्रेंड्स। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैरीगोल्ड हैं, फ्रेंच मैरीगोल्ड, जो कि अभी फ्लावरिंग ओवर हो रही है उन पर, ये वर्बेना के। तो फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट्स में ये प्लांट्स लगे हुए थे, आप देख रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। हालांकि काफ़ी मतलब फ्लावरिंग ओवर हो गई है, हालांकि बारिश में भी काफ़ी हद तक कुछ ख़राब इसमें से हो गए हैं। ये देखिए एक छोटा सा ये लुक है, हालांकि जो मेरा पेंट टेरेस गार्डन के सारे प्लांट्स हैं वो इकट्ठे रख दिए हैं पेंटर्स ने, तो मैं उनका एक आपको छोटा सा व्यू दूंगी, सारे प्लांट्स तक नहीं पहुँच पाऊँगी मैं। अच्छा, इधर हैंगिंग बास्केट के अलावा थोड़े से इधर ये भी हैंगिंग बास्केट्स में लगे हुए हैं, एलिसम के प्लांट है। इधर भी मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, उधर ये जेट प्लांट है एक मेरा, और देखिए ये पीली मतलब जैस्मिन का प्लांट,
इस पर भी इस टाइम फ्लावरिंग होती है। हालांकि मैंने इस पर सिर्फ साल में एक ही बार फ्लावरिंग देखी है और ये यही टाइम है, देखिए इस पर फ्लावरिंग हो रही है। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, ये पिटूनिया के प्लांट्स, मतलब फ्लावर्स के जो प्लांट हैं वो हैं तो काफ़ी ज़्यादा, पर ज़्यादातर पिटूनिया, पेंजी, और देखिए ये एक वाइल्ड फ्लावर है जिसको मैंने हटाया नहीं है, उस पर भी अच्छी फ्लावरिंग लग रही है मुझे, इसके फूल भी सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद देखिए ये भी पेंजी के प्लांट हैं, लाइट मतलब पर्पल कलर के, ये भी बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। और देखते हैं इधर क्या है, इधर भी पेंजी के प्लांट्स हैं। इस टाइम फ्रेंड्स जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो ज़्यादातर विंटर के ही सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिन पर फ्लावरिंग अभी ओवर होने ही वाली है। तो ये देखिए इधर भी कैलेंडुला का प्लांट लगा हुआ है, और ये देखिए इधर भी पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर पिटूनिया, वर्बेना, पेंजी, कैलेंडुला, मैरीगोल्ड या फिर रोजेज हैं बहुत सारे। इनके अलावा मेरे गार्डन में बहुत सारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं या परमानेंट नॉर्मल जो लीफी प्लांट होते हैं वो हैं। तो एक ओवरऑल लुक मैं आपको दे देती हूँ, और बहुत जल्दी मैं आपको इसका एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब ओवरव्यू लेकर आऊँगी जो मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स यही है मेरा आज का मतलब टेरेस गार्डन का ओवरव्यू, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू व्यूअर्स, आपका दिन शुभ हो।